महाराष्ट्र में सत्ता के लिए संघर्ष, बीजेपी नहीं आई सरकार बनाने आगे, शिवसेना के हाथ से भी गया मौका, एनसीपी ने भी सरकार बनाने से किया इनकार, तो अब लग जाएगा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच अब राष्ट्रपति शासन, साथ ही साथ चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना के बीच जहां सीएम पद को लेकर बात इतनी बिगड़ी कि एक ही विचारधारा की पार्टी अलग अलग राहों पर निकल पड़ी, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए और शिवसेना ने वर्षों से विरोधी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का फैसला ले लिया। एनसीपी और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक कांग्रेस और एनसीपी में शिवसेना को समर्थन देने पर एक राय नहीं बन जाती तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई, उसमें महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ है और महाराष्ट्र के लीडर को बुलाकर उनकी राय लेके फिर उसका फैसला। 7:30 का वो टाइम था क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था, तब तक लेटर उनका आया नहीं, तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। अब चलिए एक नजर महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर भी डालते हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन कोई भी दल नहीं कर पाया बहुमत सिद्ध। 24 अक्टूबर के बाद से अब तक राज्य में सरकार गठन नहीं। बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी का चांस खत्म। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन पर फैसला लिया, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी। शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन का विरोध किया, शिवसेना ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। किसी भी दल को बहुमत मिला तो राष्ट्रपति शासन हट सकता है। स्थिति साफ है, प्रदेश में एक के बाद एक तीन दलों को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया पर किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद प्रदेश की बागडोर केंद्र के हाथों में आ जाएगी। आइए आपको बताते हैं कब कब लगा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य में पहली बार 17 फरवरी 1980 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार को विधानसभा में पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद सदन भंग कर दिया गया था। इसी वजह से राज्य में 17 फरवरी से 8 जून 1980 तक अर्थात 112 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था। उसी तरह राज्य में 28 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस वक्त राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल एनसीपी सहित अन्य दलों के साथ अलग हो गए थे और विधानसभा को भंग किया गया था। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जी हां, जिस राज्य की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के हक में फैसला सुनाया, उस गठबंधन में पड़ी दरार ने सूबे के पूरे सियासी परिदृश्य को बदलकर रख दिया। शिवसेना का हठ, बीजेपी की खामोशी और इधर एनसीपी और कांग्रेस का चिंतन मंथन, महाराष्ट्र में एक ऐसी सियासी फांस लगा गया जिसका परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पंडितों के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फेल हो गई और इतिहास भूगोल याद आने लगे। सवाल यही है, महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, महाराष्ट्र में सियासी खेल, सरकार का फार्मूला फेल। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान जी, आपका बहुत स्वागत। कांग्रेस के नेता हरिओम पटेल जी, आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले बात शैलेंद्र प्रधान जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जो भी दोस्ताना रहा है शिवसेना और बीजेपी का, इसको आप बहुत बेहतर ढंग से समझते भी हैं। कई बार ऐसा देखने में आया कि मन मिटाव, मतभेद, मनभेद की बातें बीजेपी और शिवसेना के बीच में कई बार सामने आती रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भी मिलकर रहे, मिलकर सरकारें बनाई, मिलकर विपक्ष में भी बैठे, तमाम चीजें हुई। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ऐसी एक जिद शिवसेना की ओर से
पकड़ ली गई कि विरोधियों को जो दुर्ग विरोधी कहे जाते थे एनसीपी और कांग्रेस, उनका साथ लेने से भी गुरेज नहीं किया। और अब नतीजा ये हुआ कि न सरकार बना पाए न किसी की हो पाए, उधेड़बुन में ही चलता रहा मामला और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या कहेंगे? सब पुरानी कहावत है जी कि आदि छोड़ पूरी पे धावे जी, आदि मिली ना पूरी पावे जी। और फिर एक और है, सेकंड थॉट इन लाइफ इज ऑलवेज डेंजरस जी। जब आपने चुनाव के पहले बीजेपी और शिवसेना ने पैक किया, अब आप बोले कि हमने बाला साहब ठाकरे को प्रॉमिस किया था जी कि एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, और प्रॉमिस पे आप टपक गए। फिर आप कहाँ गए? एनसीपी और कांग्रेस की दरबार में जी, और वहां भी कोई समाधान नहीं हुआ जी। आपका जो बेसिक जो सोच थी जी, उसके विपरीत आप गए जी। तो ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन लग गया है, आप और सोच लीजिए। आपके पास तो 170 एमएलए थे जी, जैसा कि माननीय संजय राउत जी बाबा खंभ ठोक के कह रहे थे जी जी। तो अब जब आपको 3 दिन का टाइम मिला जी, तो आप पहले शिवसेना ने बोला हमें 2 दिन और चाहिए, एनसीपी ने कहा हमें 3 दिन और चाहिए जी। तो भैया 170 एमपी आपके साथ थे जी, तो फिर ये क्या हो गया, आप ही बतलाओ जी। पटेल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कहीं से कहीं तक जिस वक्त मैंडेट आया, जिस वक्त परिणाम आए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के, तो जिस तरह की सीटें सबकी आई, कांग्रेस की, बीजेपी की, शिवसेना की, एनसीपी की, उस वक्त कहीं से कहीं तक जो चौथे नंबर पे थी कांग्रेस, कहीं से कहीं तक भी सरकार बनाने की पिक्चर में तो दिखाई नहीं दे रही थी, ना एनसीपी दिखाई दे रही थी ना कांग्रेस दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी जब मौका इस तरह का, जो सियासी समीकरण जिस तरह के बने, उसके बाद इतना चिंतन मंथन करना कि सरकार में रहें कि बाहर से समर्थन दें, इसमें इतना वक्त लगा दिया कि ना, क्योंकि होता तो अक्सर यह है कि जब ऐसी चीजें सामने आती कि जब सरकार बनाने का मौका मिलता हो तो लपक लिया जाता है ऐसे मौकों को, लेकिन मौका लपकने की जगह चिंतन मंथन में ही लगी रही कांग्रेस। एनसीपी भी इंतजार करती रही कि कांग्रेस की तरफ से इशारा मिले तो हम आगे बढ़े, और हुआ ये परिणाम कि राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या कहेंगे अविनाश जी? देखिए, रिजल्ट आने के बाद में, जब महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद में 16 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने मौका दिया। 16वें दिन जाके शाम को उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये 15-16 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे थे। क्या इनकी शिवसेना से गठबंधन था इनका, तो इन्होंने उनसे बात नहीं की? अगर इन्होंने बात की तो क्या पीडीपी? चलिए, उनके पास तो मौका था हरिओम जी, उनके पास तो मौका था, उन्होंने नहीं बनाई। लेकिन जब जब गेंद आपके पाले में आ गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी किसी को, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब अगर इनका गठबंधन था, अगर शिवसेना का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना था, तो इन्हें क्या दिक्कत थी, समर्थन कर देते। भाई आप कश्मीर में पीडीपी का कर सकते हो, वो तो मुस्लिम थे, आप तो मुस्लिम विरोधी कहे जाते हैं, अपने आप में कहते हैं, तो वो शिवसैनिक आपके साथ में थे, उनको समर्थन कर देते। बात जब ये हुई आगे बढ़ी, तो शिवसेना ने जब महामहिम राज्यपाल से मिलने गए तो उन्हें भी कम समय दिया गया, इनको 15 दिन दिया गया, उनको 15 घंटे नहीं दिया गया। रही बात हमारी विचारधारा की बात, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे विधायकों से पूछा, सबसे राय ली, अभी भी हमारा जजमेंट ओपन नहीं हुआ। सबसे राय लेने के बाद में हम जो है हमारी प्रतिक्रिया प्रेस के सामने देंगे जी। क्या कहेंगे के सक्सेना जी? महाराष्ट्र के मामले में मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय पूरे देश की सियासत को, महाराष्ट्र ने बिल्कुल एक अलग ही गर्माहट पैदा कर दी है जी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरा देख के ये लगता है कि राज्यपाल महोदय ने जो किया है वो कुछ थोड़ा संदेहास्पद हो गया, क्योंकि कुछ जल्दबाजी उनने जिस तरह की करी कि किस उनको बीजेपी को 15 दिन का समय दिया, शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया जी, उसके बाद कहते हैं एनसीपी को भी 24 घंटे का समय दिया, और एनसीपी का समय समाप्त होने के पहले ही रिकमेंडेशन भेज दी राष्ट्रपति, उनका समय अभी 8:30 बजे समाप्त होना था जी, उनने सुबह 12 बजे ही भेज दी रिकमेंडेशन, और कहते हैं वहां जाके
कैबिनेट में पास हो गया और राष्ट्रपति महोदय ने शाम को 4:30 बजे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ये जो इतनी हड़बड़ाहट है, मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात से बड़ी रुष्ट हो गई कि शिवसेना ने उनका साथ नहीं दिया और ये किसी भी कीमत पे किसी दूसरी सरकार को बनने वहां नहीं देना चाहते, क्योंकि जी स्थिति ये है, पूरे अपन परिदृश्य को देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जी इन तीनों जगह कहते हैं कांग्रेस की सरकार है और ये चौथी स्टेट भी हाथ से चली जाती बीजेपी की, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर थी ये स्थिति। उन्होंने ये बहुत जल्दबाजी करी और इसको पूरे देश ने देखा है और मैं समझता हूँ कि शायद इसका क्या परिणाम होगा वो चुनाव के बाद या जब भी कहते हैं इसके लिए मत होगा तब पता लगेगा। मुझे एक चीज और लगती है जो मैं शुरू से कह रहा था मेरे मित्रों से चर्चा के दौरान कि सरकार किसी की नहीं बनेगी, ये मैं पिछले 15 दिन पहले से कह रहा था अपने मित्रों में जहां जहां चर्चा हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ये राम मंदिर का फैसला आया है इस फैसले का बीजेपी जनता में टेस्ट करना चाहती है। अभी 2-3 राज्यों के चुनाव ड्यू हैं, उन्हीं के साथ इसका भी चुनाव करा के बीजेपी ये देखना चाहती है कि मैंडेट हमारे साथ बढ़ा कि कम हुआ या वही का वही रहा जी। इस टेस्ट के तहत ये सारी रणनीति है और समय के गर्भ में सब छुपा है जी। हम लोग तो कयास लगा के बात कर सकते हैं जी, परंतु जो चीजें हैं वो सामने समय रहते जी, सामने आएंगी। शैलेंद्र जी, एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक संविधान की जो बात कर रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार का राज्यों में बहुमत होना बहुत आवश्यक है और वो चीज कहते हैं महाराष्ट्र में अगर सरकार नहीं बनती तो उसमें भी बाधा आती जी। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हमेशा ये देखने में आता है कि जो है राजनीतिक दल होते हैं जब परिणाम आते हैं चुनावों के, तो बहुत ही जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि किसका गठबंधन जो है उसको बहुमत मिला या किससे मिलकर कौन सरकार बना लेगा, बहुत ही जल्दी में होती सरकार, 2-3 दिन में ही सारी चीजें साफ हो जाती हैं और सरकार बना दी जाती है। गोवा में भी देखने को मिला, रातों रात जो है बीजेपी ने तमाम चीजें जो अचानक हुई और जबकि ऐसा लगे और सरकार बना ली उन्होंने। यहां पे कोई भी सरकार बनाने की जल्दी में नहीं देखा, जैसे ही शिवसेना ने एक शगुफा 50-50 का छेड़ा उसके बाद कि सीएम बनेगा तो हमारी पार्टी का बनेगा, शिवसेना का सीएम होगा, उसके बाद से एक अजीब सी खामोशी, किसी को कोई जल्दी नहीं। और जल्दी की तो बात जैसे अभी के सक्सेना जी कह रहे थे कि राज्यपाल ने की कि उनको बीजेपी को वक्त ज्यादा दिया, कांग्रेस को और एनसीपी को और शिवसेना को ज्यादा वक्त नहीं दिया। कौन जल्दी में है और कौन बैठ के चुपचाप गेम खेल रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या जाके किस करवट पे ऊंट बैठेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर तक था जी। 8 नवंबर से पहले भंग करना ये राष्ट्रपति शासन का विषय नहीं था जी। 9 नवंबर को उन्होंने टाइम दिया और 10 नवंबर को बीजेपी ने कहा हम नहीं बनाएंगे जी। 10 नवंबर को उन्होंने शिवसेना को दिया, शिवसेना ने कहा हमें 2 दिन का टाइम और चाहिए। 11 नवंबर को एनसीपी ने कहा, 12 नवंबर को सवेरे 11:30 बजे एनसीपी ने भी 3 दिन का टाइम मांगा जी। क्वेश्चन है, अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई है जी, अगर आपके पास मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा आप एमएलए की सूची दे दो जी, जी सूची दे देंगे, वो टर्न डाउन कर देंगे जी राष्ट्रपति शासन पर। क्वेश्चन है, जब आप महामहिम गवर्नर से मिलने जा रहे हैं जी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, हमें टाइम दे दो, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जी। जी, एक 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 सवाल और भी उठता है शैलेंद्र जी कि ये तो खैर रही बात कि राज्यपाल ने किसको कितना मौका दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, वो तमाम चीजें होती, लेकिन एक बात और ये भी देखने में आती है कि जैसे बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो दरार आई, तो ये जो अचानक कभी होता ये है कि जब इस तरह की बातें तब उठती है गठबंधन में जब जनता का जो फैसला उनके हक में नहीं आता, जैसे उत्तर प्रदेश
में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए जिस तरह से जो परिणीति गठबंधन महागठबंधन की हुई और बीजेपी को बहुत बड़ा वहां पे बहुमत मिला और उसके बाद फिर खटास आई बसपा में सपा में आपस में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे, लेकिन यहां तो बात खुशी की थी, यहां तो जनता ने सीधा सीधा आपको फिर से सरकार बनाने का मौका दिया था। तो जो ये खटास आई है दोनों शिवसेना और बीजेपी में, ये क्या पहले से ही जो कहीं ना कहीं एक फांस लगी हुई थी वो सामने आ गई, या अचानक ये इंतजार ही कर रही थी शिवसेना की थोड़ा बहुत भी हमें मौका मिले तो हम हावी फिर बड़े भाई होने का दावा ठोक सकें बीजेपी पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 162 सीट पे चुनाव लड़ी जी, शिवसेना 122 सीटों पे लड़ी, आप बीजेपी ने 105 एमएलए जीते, शिवसेना के 56 एमएलए जीते जी। अब आप अचानक, पहले नहीं बोला आपने, किसी चुनाव में नहीं बोला, चुनाव के दौरान भी नहीं बोला जी, चुनाव के बाद बोला कि माननीय अमित शाह ने ये मान लिया था। अरे भाई, आप पूरे चुनाव में कहते कि हम आधा सीएम फडणवीस होंगे, आधे आदित्य ठाकरे होंगे, ऐसा आपने चुनाव में कहीं, ऐसा कहीं मैंने तो नहीं सुना, कहीं पेपर में भी नहीं आया। अब अचानक चुनाव जीतने के बाद आपने कहा कि हमारी ऐसी बात हुई थी और बीजेपी झूठ बोल रही है जी। तो क्वेश्चन है, जब आप खुद ही बोल रहे हो कि बीजेपी झूठ बोल रही है जी, तो ठीक किया आपने, बीजेपी से अलग हो गए जी, अब आप मान मनाई खीर न खाई जी, अब वो कहते झूठी पातल चाटन आए जी। हरिओम जी, क्या कहेंगे जी, ये जो चुनाव हुए थे, मैं कहीं अलग बलग के वो नहीं ले जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि यानी यहाँ पे ये एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली। नहीं, बीजेपी जो दम भरती थी, भारतीय जनता पार्टी जो डंका बजाती थी भारत के अंदर, दुनिया का डंका बजाती थी, मैं थोड़ा सा ज्यादा कहीं बाहर नहीं ले जा रहा हूँ। दो राज्यों के चुनाव हुए थे, एक हरियाणा का, हरियाणा में भी 16 दिन हो गया मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में अगर सरकार तुमने तत्काल बना ली, वहां तो खुद जो लग रहा था कि वहां पेच फंसेगा, लेकिन वहां पेच फंसा नहीं। हमने मध्य प्रदेश में भी तत्काल सरकार बनाई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा इसके बाद कितना ढिंढोरा पिटा था, हम 8 दिन लेट हुए थे मंत्रिमंडल, वहां भी 16 दिन से ऊपर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बज रहा था भाजपा के अंदर, उनके सहयोगी दल के अंदर, कहीं न कहीं उनकी पोल उजागर हो गई है। इन्होंने, हो सकता है इनके दल का मामला था, इनका गठबंधन हुआ था, मुझे उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने आदित्य ठाकरे जी को बदनाम किया, उनको विचारों को जो है उनके खिलाफ एक माहौल बनाया कैंपेन में, चुनाव में, जिसके कारण इनके खटास आई। हो सकता था भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती थी कि बड़ा मन रखती, बड़ी सोच रखती, बरसों से साथ में थे, ठाकरे जी के कारण ही ये महाराष्ट्र में घुसे, वहां आगे बढ़े, तो उनके भी अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे थे तो आपको भी उनको सपोर्ट कर देना चाहिए थी, क्या दिक्कत थी, वो मुख्यमंत्री बन जाते, क्या आपको भाजपा को परेशानी थी शिवसेना को समर्थन देने में? ये इनकी सोच से परे हैं, वो भी हिंदूवादी बात करते थे जी, वो कौन सी आप राष्ट्रवादी बात करते थे, आपका राष्ट्रवाद कौन सा है, ये प्रदेश के, देश की जनता के सामने आया है कि आपका छदम राष्ट्रवाद है, आप सत्ता के लिए राष्ट्रवादी हैं, आप काम करने जनता की सहूलियत के लिए नहीं है, जनता के हित के काम करने के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के, देश के अंदर एक मैसेज गया है। क्या कहेंगे के सरदाना जी? देखिए, राज ठाकरे जी ने भी 4-5 दिन पहले बयान दिया था अपने उस सपोर्ट में कि हमको वादा किया था, कहते हैं बीजेपी ने, ढाई साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल हमारा रहेगा, और उसके साथ उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, ये भी कहा था कि मैं बहुत सारी बातें नहीं बताना चाहता, बीजेपी ने जिस तरह की बातें की हैं, हमको हमेशा कहते हैं दबा के रखा है और अब हम नहीं दबेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था। अब 30 साल के गठबंधन के टूटने में 16 दिन भी नहीं लगे जी, और वो बिखर के रह गया जी। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत, जो कहते ना कभी कभी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है बहुत, कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है मन में शिवसेना के दबी थी वो अचानक उजागर हुई हैं। हाँ, मन में बहुत सारी बातें रही होंगी, जिसमें विस्फोट अभी हुआ इन दिनों में और इस तरह की बात सामने आई। और मैं आपको बताऊं कि इनका 30 साल का गठबंधन टूटा और कांग्रेस 30 साल से शिवसेना और बीजेपी का विरोध कर रही है, एनसीपी कर रही है, उनकी नीतियों का कर रही है, उनके जो हिंदूवाद है उसका कर रही है कि महाराष्ट्र में बिहारी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, तो कांग्रेस तो इसका हमेशा समर्थन करती, तो कांग्रेस का इतनी जल्दी निर्णय आना मैं नहीं समझता कि बहुत पॉसिबल था। उनको बहुत मनन करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े हों, क्या उन लोगों के साथ वो खड़े हो जाएंगे जिनका 30 साल से विरोध कर रहे थे, जिस हिंदूवाद का वो विरोध कर रहे थे,
जिस तरह की कहते हैं क्षेत्रवाद की बात थी, क्षेत्रवाद का विरोध कर रहे थे, और अब वो उन्हीं लोगों के साथ क्या कांग्रेस खड़ी हो पाएगी? इतना बड़ा निर्णय करना कांग्रेस के लिए कुछ घंटों में मैं नहीं समझता कि बहुत आसान था, इसलिए कांग्रेस ने जो एक बात है, जो उनका फैसला था और जिस तरह का उन्होंने फैसला लिया, पार्टी हर अपने जो है अपने विचारधारा के हिसाब से काम करती है और उनकी अपनी रणनीति होती है, अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, लेकिन जो महाराष्ट्र में देखने सुनने को मिला, जो हुआ, उसका असर निश्चित तौर पे जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं चाहे कहीं के भी हों, असर तो पूरे देश की सियासत पे पड़ता है, लेकिन ये जो मैसेज पहुंचा है पूरे देश में, मैंने पहले राउंड में आपको कहा था कि इसका ये जो सब है सबको जनता देख रही है जी, और जब भी चुनाव होगा जी तो आपको देखने को मिलेगा कि जनता ने क्या किस चीज को स्वीकार किया और किसको अस्वीकार किया जी, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर को लोगों ने सामने देखा है जी, तीसरा भी कैरेक्टर देखा एनसीपी का जी, लेकिन कांग्रेस थोड़ा चुप रही तो शायद, लेकिन इस वक्त तो जो पूरा देखने में समझ में जो आ रहा है पूरा महाराष्ट्र का जो सियासी परिदृश्य है वो ले दे के घूम फिर कर शिवसेना पर ही आकर टिक जाता है, और पूरा जो कहते हैं ना कि सारा दोष जो है मरा शिवसेना पर ही जा रहा, सारी गलतियां शिवसेना की पर ही की मानी जा रही है, लेकिन बाकी लोगों की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है, क्या कहेंगे, क्या निकल कर सामने आने वाला है? और जैसा आपने बताया केके जी, ये सवाल शैलेंद्र जी से है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है, अब जनता वैसी नहीं रही जो पिछले सालों में रही है, या बहुत कुछ वो भी सोच समझ कर ही जो है फैसला लेती है, शैलेंद्र जी क्या लगता है कि ये जो सियासी खेल है इसका असर क्या आने वाले समय में अन्य राज्यों में या जो भी चुनाव अब सामने आने उनका उसका असर पड़ेगा? और एक सवाल ये भी कि अब क्या होगा महाराष्ट्र में? देखिए, एक वो माननीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बड़ा दिल कर लेते जी, अब हम कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल आप कर लेते जी, पर इत्तेदा इश्क़ रोता है क्या, देखिए आ गया कि होता है क्या जी, अब जनता किसको स्वीकार करती है किसको अस्वीकार करती है जी। जैसे 2014 में जी हम शिवसेना से अलग लड़े थे जी, बाद में शिवसेना वापस आ गई जी, अब की बार अब क्या लगता है, अब यदि जब कहीं सरकार बनती ना दिखी, एनसीपी ने भी अब ये पूरा सब देख लिया या कुछ ऐसी कुछ चीजें बनती हैं, तो क्या अब यदि शिवसेना बीजेपी के पास आती है कि भाई चलिए अब हमने जो भी हो गया सो हो गया, भूल जाइए घर की बात थी, अब आते हैं, तो क्या अब स्वीकार्य होगा ये दोबारा? क्योंकि राजनीति में तो सरकार बनाने के लिए या अपने फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है, तो कि यहाँ पे भी ये चीजें हो सकती हैं, कि संभावना है? तो पहले ये हमारे जो मित्र हैं जी कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस का अब तो चांदी है, अब सरकार बन जाएगी जी, तो ये क्यों नहीं आगे बढ़ के हाथ थाम लेते? नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब क्या शिवसेना यदि आती है वापस, तो क्या उसकी स्वीकार्यता पहले जैसी होगी, जैसे आपने कहा कि फिर अकेले चुनाव लड़ा लेकिन साथ आ गए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अब ये अब क्या, अब कितना कुछ बदल चुका है रिश्तों में, कितना बदलाव आ चुका है? लेकिन निश्चित ही ये विषय कोई प्रवक्ता टीवी पे आज नहीं कह सकता, पहले तो उनको अपने सब घर घर घाट का पानी देख ले, जहां उनको का पानी मिलता नहीं मिलता तो फिर अब राजनीति में कुछ भी संभव है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ निश्चित तौर पे कहा नहीं जाता, अनिश्चितता का खेल है, और सत्ता बनाने के लिए या सत्ता में आने के लिए कई बार इस तरह के गठजोड़ और मनमुटाव और भेदभाव की बातें तमाम होने के बावजूद भी सब मिलजुल जाते हैं। आखिरी टिप्पणी चाहूंगा, क्या होने वाला है आने वाले समय में, हरिओम जी क्या कहेंगे? जनता पार्टी को जब राज्यपाल महोदय ने 15-16 दिन दिए और इसके बाद कम समय में जो है राष्ट्रपति शासन लग गया, इससे अंदेशा यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जोड़ तोड़ करके कैसे भी साम दाम दंड की नीति अपना के सरकार बनाना चाहती है, इसके पीछे उसके छुपा हुआ, यहाँ तो खामोशी इख्तियार की हुई है, बीजेपी ने कहा वो कह रही है कि हमें सरकार बनाना है, तो 15-16 दिन क्या कर रहे थे वो? 15-16 दिन जब बड़ी पार्टी आप बड़े दिल के रूप में आए तो आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे? जैसे ही अपने से शिवसेना ने अपना जो है शुरू किया
सीएम बनाने का 50-50 फार्मूले का तमाम चीज, वो तो एक तरह से खामोशी हो गए थे। देखिए कोई अगर ऐसे ही बात नहीं करता, कुछ तो बात हुई होगी जी, कोई ऐसे ही जब किसी से वो नहीं मुकरता, कुछ तो बात हुई होगी। अब मुकरने की बात अगर ये अब आपको भी तो मौका मिल गया था कि आप बना सकते थे सरकार, इतना चिंतन मचान हो गया। हम विचारधारा वाले दल है और हमने हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है ना, लोकतंत्र हमने लेके आए थे, हमारे सारे विधायकों से राय ली जा रही है, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी है वो नफा नुकसान देख रहे हैं कि हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा और अगर नहीं जाते हैं तो हमारा स्टैंड क्या होगा। हम सत्ता के लिए नहीं है। बेवजह से मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को घसीट रखा है। अगर हमें कोई निर्णय लेना होगा तो हम प्रेस के सामने, देश की जनता के सामने जाएंगे और निर्णय बताएंगे। चलिए देखना होगा कि क्या होगा। अभी तो फिलवक्त राष्ट्रपति शासन लग गया है, अब सोचने समझने का, चिंतन मंथन का बहुत मौका है सभी दलों को, और महाराष्ट्र की सियासत अब और क्या नए रंग दिखाती है आने वाले समय में देखना बाकी। आप सभी का इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र का जो है घमासान शुरू हुआ था चुनाव से, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चुनाव खत्म हो गए, परिणाम आ गए, लेकिन महाराष्ट्र में जो है सियासी हलचल अभी भी कम नहीं हुई है। देखना होगा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी अब क्या कुछ वहां देखने को मिलता है और कहां जाती है महाराष्ट्र की सियासत। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।